अगर आप हर बार एक ही तरह से बनाई गई भिंडी को खाकर बोर हो गए हैं, तो एक बार मेरे तरीके से बनाई गई इस सब्जी को जरूर ट्राई करना। सबको ये भिंडी की सब्जी बहुत पसंद आएगी और आपको खाने में मजा ही आ जाएगा। तो ज्यादा देर ना करते हुए भिंडी प्याज मसाला की ये सब्जी शुरू करते हैं। यहाँ मैंने 400 ग्राम भिंडी ले ली है, जिसे वॉश करके मैंने अच्छे से सुखा लिया है। फ्रेंड्स, हमेशा ध्यान रखिएगा, भिंडी गीली बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। वॉश करने के बाद इसे अच्छे से सुखाना चाहिए, नहीं तो भिंडी लेस छोड़ जाएगी। आइए अब हम भिंडी की कटिंग करते हैं। भिंडी को हमें टिप टेल इस तरह से कटिंग करनी है। और अगर आपके पास भिंडी थोड़े बड़े साइज की है तो उसे 2 या 3 पीसेस में कट कर लें, और अगर भिंडी छोटे साइज की है तो उसे 2 पीस में कट कर लें। हमें ज्यादा छोटे पीस नहीं करने हैं। सारी भिंडी कट करने के बाद यहाँ मैंने 4 हरी मिर्च ले ली है, जिसे मैं बीच में से स्लिट कर दूंगी। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से। यहाँ मैंने 2 मीडियम साइज के प्याज लिए थे, जिन्हें मैंने बारीक बारीक चॉप कर लिया था, और एक बड़े साइज का प्याज लिया था, जिनके मैं इस तरह से पेटल्स निकाल लूंगी। यहाँ मैंने एक बोल ले लिया है। अब इसमें जाएगा 1/2 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च, 1/4 टीस्पून गरम मसाला, 1/2 टीस्पून सूखा धनिया पाउडर और 1/2 टीस्पून अमचूर पाउडर, 1/4 टीस्पून हल्दी और 1/2 कप पानी। अब हम इसे कर देंगे मिक्स। फ्रेंड्स, पानी डालने से मसाले जो है अच्छे से फूल जाएंगे और सब्जी का टेक्सचर बहुत ही अच्छा आएगा। यहाँ मैंने कढ़ाई को गैस पर रख दिया है। अब इसमें जाएगा 1 टेबल स्पून सरसों का तेल। फ्रेंड्स, तेल को मैंने पहले से ही जला रखा है। अब इसमें मैं भिंडी को डाल दूंगी और लगातार चलाते हुए कुक कर लूंगी। भिंडी की सब्जी फ्रेंड्स सरसों के तेल में बहुत टेस्टी बनती है। गैस की फ्लेम को फ्रेंड्स हम मीडियम पर रखेंगे। भिंडी को तेल में अच्छे से कोट करने के बाद मैं इसमें डाल दूंगी सॉल्ट अकॉर्डिंग टू टेस्ट, और इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और फ्रेंड्स, भिंडी को हम तब तक कुक करेंगे जब तक भिंडी अंदर से अच्छे से कुक ना हो जाए और उसका कलर ना चेंज होने लगे। फ्रेंड्स, भिंडी में नमक हम इसलिए पहले डालते हैं ताकि नमक जो है भिंडी में अंदर तक अच्छे से चला जाए और खाने में भिंडी फीकी ना लगे। 5 से 6 मिनट हो गए हैं फ्रेंड्स भिंडी को कुक होते हुए। ये देखिए फ्रेंड्स, इसका कलर चेंज होने लग गया है और ये कुक हो गई है। आइए अब हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे और सारी भिंडी को निकाल लेंगे। एक बार फिर से इसी कढ़ाई में मैं 2 टीस्पून जला हुआ सरसों का तेल डाल दूंगी और साथ ही साथ डाल दूंगी हरी मिर्च, और उसे भी 1 मिनट के लिए सोते कर लेंगे। और जो प्याज मैंने पेटल्स की तरह कट किए थे इसी में डाल दूंगी और हाई फ्लेम पर हम इसे 1 से 2 मिनट के लिए कुक कर लेंगे। फ्रेंड्स, प्याज को हमें ज्यादा सॉफ्ट नहीं करना है। भिंडी की सब्जी में प्याज जो है हमेशा क्रंची अच्छे लगते हैं। 2 मिनट के बाद ही मैं इसे भी प्लेट में निकाल लूंगी। फिर से इसी कढ़ाई में मैं जला हुआ 1 टेबल स्पून सरसों का तेल डाल दूंगी और इसमें जाएंगे चॉप किए हुए प्याज और उसे भी अच्छे से कर देंगे मिक्स। यहाँ हमें चॉप किए हुए प्याज को बस हल्का सा ही सॉफ्ट करना है। जैसे ही प्याज हमारे पिंक कलर के हो जाएंगे, मैं इसमें डाल दूंगी अपने पाउडर मसाले, जिन्हें मैंने पानी में भिगो कर रखा था। मसालों को हम पानी सूखने तक कुक करेंगे। पानी अच्छे से सूख गया है और सेपरेट होने लगा है। अब इसमें हम अपनी फ्राइड भिंडी को डालकर अच्छे से मिक्स कर देंगे और 1 से 2 मिनट के लिए कुक करेंगे, और उसके बाद इसमें जाएंगे फ्राइड अनियन पेटल्स, इसे भी अच्छे से कर देंगे मिक्स। पहले हमारे भिंडी और प्याज पर अच्छे से कोट हो गए हैं। गैस की फ्लेम को हम लो कर देंगे और ढककर 3 से 4 मिनट के लिए एक बार फिर से कुक कर लेंगे। 3 से 4 मिनट बाद ही सारे फ्लेवर भिंडी के अंदर तक चले गए हैं। बहुत ही टेस्टी मसालेदार भिंडी प्याज की सब्जी बनकर एकदम तैयार है। आप देख सकते हैं कितनी डिलीशियस लग रही है। गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसे डिश आउट कर लेंगे। सो ब्यूटीफुल, सो एलिगेंट, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाव, मेरी मम्मी की मसालेदार भिंडी प्याज की रेसिपी बनकर एकदम तैयार है, जिसे हम एक बहुत ही यूनिक तरीके से प्रेजेंट कर रहे हैं। देखिए इस तरह से, आप चाहें तो अपने तरीके से भी इसको डिश आउट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलना। अब हम मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। टिल देन, थैंक यू सो मच, बाय बाय।